जय जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में हूं दोस्तों। दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं और जिसमें हमसे पूछा जाता है कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारे पास में जो पैसा है वह पैसा सही जगह पे लगे और सही जगह उसका यूटिलाइजेशन हो और पैसे का अपव्यय ना हो, अर्थात पैसा अन्याय से खर्च ना हो। कई बार आपने देखा गया होगा कि आप कहीं मार्केट में गए और आपका बजट था 10,000 रुपए लेकिन आप 15,000 रुपए 20,000 रुपए खर्च करके आ गए। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बताने के लिए जा रहा हूं, इसको आप करने मात्र से, केवल केवल आप करने मात्र से आपने जो बजट डिसाइड किया है उस बजट के अंदर बेहतर से बेहतर शॉपिंग आप करके आ सकते हैं। यह सभी उन पुरुषों के लिए जिनकी जेब से पैसा जाता है या सभी उन महिलाओं के लिए जो शॉपिंग नॉर्मली करती रहती है उनके लिए लाभदायक हो सकता है। दोस्तों ये 1-to-1 के ऊपर ही काम करेगा, ये ध्यान रखें। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर यह काम नहीं करेगा। हमारे पास में बहुत सारे कॉल्स आती है गुरुजी जैसे कुछ चीजें करनी है। उदाहरण के लिए आप घर देखने के लिए गए, आपका बजट था आपका एक्स वाई जेड अमाउंट, उदाहरण के लिए 25 लाख या 30 लाख रुपए, लेकिन वहां पे जो बजट का एस्टिमेट हो गया वो ज्यादा हो गया, क्या करें। आपने कहीं से पड़ोस से रिश्तेदारों से उधार लिया लेकिन घर लेना था या फ्लोर जो लेना था वो वही लेना था। तो दोस्तों ऐसा क्या किया जाए कि चीजें बेहतर और अच्छी हो, बार्गेनिंग की जो क्षमता है वह आपकी जबरदस्त हो जाए। दोस्तों इसके लिए अगर बात करें तो अगर कुंडली विश्लेषण की अगर बात करें तो बहुत सारे होते हैं जी ऐसा क्या योग कुंडली के अंदर हमारे साथ में है कि जहां पे हम लोग बोलते हैं तो चीजें मेरे पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो बात करें धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में होगा या लाभ भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में होगा तो इस प्रकार की सिचुएशन वहां पे देखने को मिलती है। भाव कारक स्वामी की भी बात करें यदि व्यय की दशा या महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तब भी ऐसी सिचुएशन मिलती है। एक और चीज आपके साथ कहना चाहता हूं, जब भी सौम्य ग्रहों की दशा चलेगी, सौम्य ग्रह अगर मैं बात कर रहा हूं तो सौम्य ग्रह है आपके चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध, इनकी अगर दशा या अंतर दशा चलेगी तो यहां पे अपव्यय की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों, क्रूर ग्रह या पापी ग्रह की दशा या महादशा के अंदर आप पैसे के लिए आप बार्गेनिंग करते हैं एक एक चीज को, तो आप देखेंगे आपकी दशा या महादशा किस प्रकार से हो रही है। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन के ऊपर नीचे यहाँ पे चल रहा है, यहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या है असली बात, मैं बातों के ऊपर आता हूं। आप उदाहरण के लिए बेटी की शादी के लिए आप परचेजिंग करने के लिए गए और आपने एक एस्टिमेट बनाया लेकिन एस्टिमेट से ज्यादा खर्चा हो गया, तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, केवल केवल मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय आपको बताने के लिए जा रहा हूं जिसे करने मात्र से निश्चित रूप से आपकी बार्गेनिंग क्षमता ज्यादा हो जाएगी और ऑटोमेटिक इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे जहां पर चीजें आपके साथ में बेहतर होती चली जाएंगी। देखिए अगर बात करें तो ब्रह्मांड जो है वो सांकेतिक भाषाओं को समझता है, जो भी हम नंबर देते हैं, जो भी हम चिन्ह बनाते हैं। तो अगर बात करें तो यहां पे मैं आपको एंजल नंबर की बात कर रहा हूं दोस्तों। एंजल नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंजल नंबर, एक एंजल नंबर अगर आप लिखते हैं, आप अपनी हथेली के ऊपर लिख सकते हैं, आप किसी भी जगह के ऊपर आप लिख सकते हैं, आपको लिखना क्या है, टीवी स्क्रीन के ऊपर वह नंबर भी आपका चल रहे हैं। नंबर है दोस्तों 111-55-27, 111-55-27। इस नंबर को आपने नीले या लाल पेन से आपने अपनी कलाई के ऊपर यहां पे लिख लिया दोस्तों, यहां पे लिख के उसके ऊपर गोल धारा बना दिया ताकि वो उसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाए। और आपको करना क्या है दोस्तों, इस नंबर को आपको अलग अलग संख्या में कम से कम 21 बार आपको पढ़ना है। इसको करने से आप जहां पे भी खरीदारी के लिए जा रहे हैं
निश्चित मानना दोस्तों, यदि आपका बजट 1.5 लाख रुपए का है किसी भी चीज को लेने के लिए, वही चीज आपके 1.5 लाख से कम में आ जाएगी और अच्छी क्वालिटी की आ जाएगी, आपकी बार्गेनिंग क्षमता ज्यादा हो जाएगी, आपको बेहतर और अच्छे से क्वालिटी के अंदर चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और जिसको भी अभी तक ये, क्योंकि चीजें जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों वह प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ, यदि और भी आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, आप वहां से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में मिलूंगा। जय जय श्री राम दोस्तों।